उत्तम क्लासेज स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एसडी सर। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने 15वां और 16वां वर्ग तो पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वो अगला वर्ग है 17वां वर्ग। 17वें वर्ग के तत्व, इन तत्वों को कहा जाता है हेलोजन। इस वर्ग के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व एस्टेटिन आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आता है? पहला तत्व है फ्लोरीन, जिसको एप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला तत्व है फ्लोरीन। दूसरा तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन जिसको प्रदर्शित किया जाता है सीएल के द्वारा। तीसरा तत्व है ब्रोमीन, ब्रोमीन जिसको प्रदर्शित किया जाता है बीआर के द्वारा। चौथा तत्व इसके अंतर्गत आता है वो है आयोडीन, आयोडीन जिसको प्रदर्शित किया जाता है आई के द्वारा। और पांचवा तत्व है वो है एस्टेटिन। कौन सा है? एस्टेटिन, एस्टेटिन जिसको ए टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो पांचवा तत्व हमने लिखा एस्टेटिन, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव जो प्रकृति में कम मात्रा में पाया जाता है, सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। बाकी सभी तत्व है वो लवणों के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं तो जो 17 वर्ग के तत्व है इनको हेलोजन कहा जाता है। जो ये हेलोजन है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, हेलो प्लस जेनस से। जो ये हेलोजन शब्द है, कौन सा शब्द? हेलोजन। ये हेलोजन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो शब्द बना है ये हेलो से, हेलो, हेलो का मतलब होता है, या हेलो का तात्पर्य होता है लवण से। किससे होता है? लवण से। और दूसरा शब्द होता है वो है जेनस, जेनस उसका तात्पर्य होता है बनाने वाला, बनाने वाले, बनाने वाले। तो जो लवण बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं? लवण बनाने वाले यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को क्या कहते हैं? हेलोजन्स। तो हम कह सकते हैं अर्थात लवण बनाने वाले, लवण लवण बनाने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? हेलोजन्स कहते हैं। ये तो हो गया हेलोजन का शाब्दिक अर्थ, क्या तात्पर्य होता है वो। अब हम इन हेलोजन की जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इनकी देखते हैं उपलब्धता। हेलोजन की उपलब्धता, ये प्रकृति में किस रूपों में पाए जाते हैं? तो ये किसके रूप में पाए जाते हैं? लवण के रूप में पाए जाते हैं। और उन लवणों में देखी जाती है तो जो तत्व है फ्लोरीन, ये जो भूगर्भ में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, उस भूगर्भ में या मृदा में पाया जाने वाला 13वां तत्व है। क्लोरीन है वो 20वां तत्व है। और ब्रोमीन और आयोडीन अल्प मात्रा में पाया जाता है। और जो एस्टेटिन है ये सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। तो पहला तत्व है जैसे फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन है ज्ञात तत्वों में कौन सा तत्व है? 13वां है। ज्ञात तत्वों में, ज्ञात तत्वों में से 13वां तत्व है। कौन सा तत्व है भाई? 13वां तत्व है। जितने ज्ञात तत्व है उनमें से 13वें नंबर पर ज्ञात तत्व आता वो है फ्लोरीन। ये सामान्यतः लवणों के रूप में पाया जाता है, जैसे है फ्लोरोराइड, फ्लूओराइड जिसका अणुसूत्र होता है CaF2। क्या होता है? CaF2। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जिसका अणुसूत्र होता है Na3LF6। क्या होता है? Na3LF6। एक है फ्लूरोएपेटाइट, फ्लूओरो,
एपेटाइट, जिसका अणुसूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट Ca2PO4 का होल थ्राइस, सॉरी Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, और इसके जब तीन अणु मिलकर के बनाते हैं उसको कहा जाता है फ्लोरोएपेटाइट, जो एक परत के रूप में मृदा में पाया जाता है। तो ये तो हो गई फ्लोरीन की उपलब्धता, फ्लोरीन ज्ञात तत्वों में जो मृदा में पाया जाता है उन तत्वों में से 13वां तत्व है, और ये कौन कौन से लवणों के रूप में पाया जाता है, CaF2, क्रायोलाइट, Na3Al6 और फ्लोरोएपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड से मिलकर के बना होता है। दूसरा तत्व है क्लोरीन, कौन सा तत्व है क्लोरीन, ये ज्ञात तत्वों में से 20वां तत्व है। ज्ञात तत्वों में कौन सा है, ज्ञात तत्वों में इसका नंबर देखें तो कौन सा तत्व है, 20वां तत्व है, 20वें नंबर पर क्लोरीन आती है, 13वें नंबर पर तो आती है क्लोरीन और 20वें नंबर पर आती है क्लोरीन। ये पाई जाती है मुख्यतः ब्राइन के रूप में, ब्राइन जिसका अणुसूत्र होता है NaCl, ठीक है। एक ये प्राई ब्राइन के अलावा ये पाई जाती है कार्नेलाइट के रूप में पाई जाती है, जिसे द्विक लवण भी कहते हैं, मोल लवण भी कहते हैं, सॉरी द्विक लवण कहते हैं। इसका अणुसूत्र होता है KCl.MgCl2.6H2O, यह है। और इसे कौन सा लवण कहा जाता है भाई, द्विक लवण कहा जाता है, द्विक लवण कहते हैं। और द्विक लवण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो सरल लवणों से मिलकर के बनाए, और उन दोनों सरल लवण है उनमें ऋणायन क्या है, समान है, इस कारण इसे कहा जाता है द्विक लवण। और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये अपने जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण देता है। इसके अलावा कैल्शियम सोडियम है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है, उन सभी तत्वों के रूप में यह पाया जाता है। ब्रोमीन और आयोडीन है वो अल्प मात्रा में पाया जाता है, लवणीय जल होता है वह पाया जाता है, या लवणीय जल में पाई जाती है आयोडीन, भारी जल होता है उसमें आयोडीन पाई जाती है, एस्टेटीन है वो प्रमुखता से नहीं पाई जाती। अब हम पढ़ते हैं जो 17वें वर्ग के तत्व है उन 17वें वर्ग के तत्वों के सामान्य गुण 17वें वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणधर्म किस प्रकार के हैं। गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म में हम सबसे पहला गुणधर्म देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है। तो 17वें वर्ग के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5 इस प्रकार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आते हैं, तो ये लिख दिया हमने तत्व, 17वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो तत्व, और इनका लिख दिया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व में पहला तत्व तो कौन सा है, फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, पांचवा एस्टेटीन, ये तत्व है। अब इनके अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें कौन सा तत्व तो कौन से नंबर पर आता है, तो फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 9, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 17, ब्रोमीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 35, आयोडीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 53, और जो एस्टेटीन है 80, इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 85। ये हो गए इनके परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5, किस प्रकार का होता है, NS2NP5, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 9 है परमाणु क्रमांक क्लोरीन के, उससे पहले अक्रिय गैस आती है, एक कौन सी गैस आती है, हीलियम, ये लिख दिया हमने हीलियम। दूसरे आवर्त का तत्व है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा भाई, 2s2 2p5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा।
फिर अगले तत्व की बात की जाए क्लोरीन, क्लोरीन से पहले अक्रिय गैस कौन सी होती है, नियोन, जिसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं 10, इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं 2, 10 तो ये हो गई। उसके बाद तीसरे आवर्त का तत्व है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3s2 3p5, 10 और 7 17। अगली बात की जाए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन से पहले होती है क्रिप्ट आर्गन, जिसके परमाणु क्रमांक होता है 18। अब ये चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में 3d श्रेणी के तत्व आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d 10। उसके बाद आ जाएगा 4s2 4p5, 18 10 28 2 30 और 5 35, 35 होता है इसका। अगला तत्व है आयोडीन, आयोडीन से पहले अक्रिय गैस की बात की जाए तो यहां पर होती है क्रिप्टोन, जिसके परमाणु क्रमांक होता है 36 36। अब ये पांचवा आवर्त है उसमें 4d श्रेणी आती है तो ये लिख दिया हमने 4d 10 4d 10, संक्रमण तत्व आते हैं। उसके बाद 5s2 5s2 5p5, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर देखा जाए S18, उससे पहले अक्रिय गैस आती है जीनोन, जिसके परमाणु क्रमांक होते हैं 54 54। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये छठा आवर्त हो गया, छठे आवर्त में लैंथेनाइड श्रेणी भी आती है, लैंथेनाइड के भी 14 तत्व आते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4f 14 5d 10, 4f 14 5d 10। फिर आ जाएगा 6s2 6s2 6p5, ये हो गया इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट वाले संयोजी कोष में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, एस में 2 और पी में 5, ये हो गया हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम दूसरे गुणधर्म की बात करें इसमें, तो नंबर दूसरा गुणधर्म देखते हैं दो नंबर पर, वो ले लिया इसका परमाणवीय आकार, परमाणवीय त्रिज्या, परमाणु आकार कह दो या परमाणवीय त्रिज्या कह दो, परमाणवीय त्रिज्या किस प्रकार की होती है, तो ये एक वर्ग के तत्व है, किसके तत्व है, वर्ग के, और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है इस कारण परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ती है, इस कारण बढ़ती है, इस कारण परमाणु त्रिज्या में, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे हम 17 वर्ग की त्रिज्या का क्रम लिखें तो सबसे छोटा हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद में हो जाएगा क्लोरीन, उसके बाद हो जाएगी ब्रोमीन, उसके बाद हो जाएगी आयोडीन, ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, त्रिज्या का कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। फिर हम देखें गुणधर्म नंबर 3, तीसरा सामान्य गुणधर्म वो है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, क्योंकि ये वर्ग के तत्व है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आयनिक त्रिज्या के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। तो ये लिख दिया वर्ग में, सीधा लिख देते हैं इसमें, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या के मान में, आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि, और वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि यहां पर भी किसकी संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो आयनिक त्रिज्या का अगर हम क्रम लिखें तो सबसे छोटी त्रिज्या हो जाएगी फ्लोरीन आयन की, फिर क्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी,
ब्रोमीन आयन की और फिर किसकी हो जाएगी, आयोडीन आयन की। तो फ्लोराइड सबसे छोटा होगा और आयोडाइड सबसे बड़ा होगा, ये हो गया आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। गुणधर्म अगले की बात करें, गुणधर्म नंबर 4 वो है आयनन विभव, आयनन विभव जिसको हम आईपी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो, आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हो। और किसे कहता है, तो किसी भी संयोजी कोष उदासीन परमाणु के संयोजी कोष में अत्यधिक ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा के मान को कहा जाता है आईपी। जैसे कोई परमाणु है उदासीन परमाणु, उस परमाणु को हमने दी ऊष्मा और ऊष्मा देने में से देने पर उसमें से तो निकल गया इलेक्ट्रॉन बाहर, पीछे तो बन गया आयन और आयन के साथ क्या बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमने जो ये ऊष्मा दी, इस ऊष्मा के मान को क्या कहा जाता है, आईपी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा के मान को कहा जाता है आईपी। आईपी परमाणु आकार के होती है व्युत्क्रमानुपाती, प्रभावी नाभिक आवेश के होती है समानुपाती। क्योंकि आकार बढ़ेगा तो जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, ये ले लिया आकार, ये एक छोटा आकार है और नीचे जाओगे तो बड़ा आकार है। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल प्रबल है, या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल। दुर्बल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊष्मा चाहिएगी, आकर्षण बल प्रबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम ये कह सकते हैं आईपी व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणवीय आकार के, परमाणवीय आकार के। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, इस कारण आईपी के मान में क्या होगी, कमी। तो हमने ये लिख दिया कि वर्ग में आईपी का मान कम होता है, वर्ग में आईपी का मान, आईपी का मान घटता है, क्या होता है, घटता है। और क्यों घटता है, तो उसका कारण हमने यहां लिख दिया कि आईपी है वो परमाणु आकार के क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आईपी सर्वाधिक किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी, ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, आयोडीन की। ये हो जाएगा आईपी का कौन सा क्रम, घटता क्रम, आयनन एंथैल्पी का घटता क्रम। और वर्ग में आईपी के मान में कमी होती है क्योंकि परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगले गुणधर्म की बात करें तो नंबर 5 गुणधर्म है विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता का मतलब होता है बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। विद्युत ऋणता परमाणु आकार बढ़ने पर कम होती है क्योंकि धात्विक गुणधर्म क्या होता है, बढ़ता है। तो विद्युत ऋणता को भी हम देखें तो विद्युत ऋणता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती इसलिए होती है क्योंकि आकार बढ़ने पर कौन सा गुणधर्म बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म। तो विद्युत ऋणता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, यह भी हमने देखा था, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, इस कारण विद्युत ऋणता के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो विद्युत ऋणता में भी हम कह सकते हैं कि वर्ग में विद्युत ऋणता का मान, विद्युत ऋणता का मान घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने के कारण कौन सा गुणधर्म बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। तो अगर हम विद्युत ऋणता का घटता क्रम लिखे, विद्युत ऋणता का घटता क्रम, घटता क्रम, तो विद्युत ऋणता का घटता क्रम हो जाएगी, सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, उसके बाद विद्युत ऋणता होती है क्लोरीन की, उसके बाद विद्युत ऋणता होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम विद्युत ऋणता होती है आयोडीन की। ओके, लास्ट एक सामान्य गुणधर्म और देख लेते हैं हम, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता कहता है किसे, कोई भी परमाणु है उस परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या बनेगा, आयन बनेगा।
परंतु आयन बनने के साथ ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन। तो किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो मुक्त ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा के मान को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊष्मा मुक्त होती है, इस कारण ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा सेपीय या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो किस में होता है? माइनस में होता है, क्योंकि एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा सेपी के आधार पर है। इसलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो मुक्त ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा का मान भी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणवीय आकार के। और हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार के मान में क्या होती है? इस कारण वृद्धि होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। परंतु फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम होती है, और इसलिए कम होती है क्योंकि फ्लोरीन का आकार होता है छोटा, और आकार छोटा होने के कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है प्रतिकर्षण। इस कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, परंतु वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है परंतु क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। या हम ये भी कह सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। उसका कारण है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या होती है? कमी। और हम ये कह सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटताक्रम कौन सा क्रम? घटताक्रम लिखेंगे तो इस प्रकार की हो जाएगी। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की। फिर किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की। फिर किसकी हो जाएगी? ब्रोमीन की। और सबसे कम किसकी हो जाएगी? आयोडीन की। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का कौन सा क्रम भाई? घटताक्रम। एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गए भाई 17 वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं कि 17 वर्ग के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व एस्टेटिन आते हैं, जिसमें से एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर हम बात करें हेलोजन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि हेलोजन है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, हेलो प्लस जेनस से। हेलो का मतलब होता है लवण, जेनस का मतलब होता है बनाने वाले, अर्थात लवण बनाने वाले यौगिक होता है, इसलिए इनको कहा जाता है हेलोजन। ज्ञात तत्वों में अगर फ्लोरीन की उपलब्धता की बात करें तो फ्लोरीन उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा तत्व है? 13वां महत्वपूर्ण तत्व है, या इसका स्थान कौन सा है? 13वां है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। फ्लोरीन तो 13वें नंबर पर आती है और क्लोरीन 20वें नंबर पर आती है। और इनके जो प्रमुख लवण बनते हैं उन लवणों में से प्रमुख लवण यह है, जैसे फ्लोरीन के लवणों की बात की जाए तो आगे दे रखे हैं क्रायोलाइट है, फ्लोरोएपेटाइट है, फ्लोरोराइट है। और क्लोरीन के देखा जाए तो ब्राइन है, कार्नेलाइट है जो कि द्विगुण लवण के रूप में होता है, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उन सब के रूप में भी ये पाई जाती है। ब्रोमीन और आयोडीन अल्प मात्रा में पाई जाती है, आयोडीन है वो समुद्री जल में पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, जहाँ भारीपन ज़्यादा होता है या नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और एस्टेटिन है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए मुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में या नहीं के बराबर मिलती है। अब हम इनके सामान्य गुणधर्म की बात करें तो ये सामान्य गुणधर्म हमने कुछ लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP5 प्रकार का। अगर हम विन्यास देखेंगे तो ये हो गया 9 नंबर पर फ्लोरीन,
17 पर क्लोरीन, 35 पर ब्रोमीन, 53 पर आयोडीन और 85 पर एस्टेटिन, और सबके संयोजी कोष में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। फिर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है? कोषों की। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है? वृद्धि। सर्वाधिक त्रिज्या होगी आयोडीन की और सबसे कम होगी फ्लोरीन की, क्योंकि तो ये एस्टेटिन है इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर आयनिक त्रिज्या में बात करें तो आयनिक त्रिज्या का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, सर्वाधिक हो जाएगा आयोडाइड का आकार और सबसे छोटा हो जाएगा फ्लोरीन का। फिर हम देखें आईपी, तो आईपी है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, इस कारण आईपी के मान में कमी होगी। सर्वाधिक आईपी होती है आयोडीन की, सर्वाधिक होती है फ्लोरीन की। विद्युत ऋणता में देखा जाए तो विद्युत ऋणता बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है। विद्युत ऋणता भी परमाणु आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, इस कारण विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है आयोडीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहे तो किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो मुक्त ऊष्मा होती है उस मुक्त ऊष्मा के मान को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये भी परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु फ्लोरीन का आकार अत्यधिक छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार क्या होता है? छोटा। इस छोटे आकार के कारण इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। जैसे हम यहाँ पर इसको समझते हैं, फ्लोरीन की अगर आणविक संरचना देखें तो फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक होता है 9, ये नाभिक हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2s2 2p5 होता है। ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ये दूसरी कक्षा होती है, उस दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8, और हमारे पास दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, यहां से 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरी कक्षा में, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब पहले से यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या है? अधिक, और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है इस कारण इन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इसमें उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये कारण है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, उसका कारण है फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हो जाएगा सर्वाधिक हो जाएगी क्लोरीन की, उसके बाद हो जाएगी फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम हो जाएगी आयोडीन की। ये हो गए सामान्य गुणधर्म। अब देखते हैं हम इनके भौतिक गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। ये तो हो गए भाई 17 वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणधर्म और उनकी उपलब्धता किस प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं वर्ग नंबर 17 के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती है 17 वर्ग के तत्वों की। उसमें सबसे पहला भौतिक गुणधर्म में नंबर 1 देखते हैं उनकी अवस्था, परमाणु अवस्था किस प्रकार की होती है, अवस्था कौन सी प्रावस्था में ये पाए जाते हैं, अवस्था एवं रंग, और उनका रंग किस प्रकार का होता है। हेलोजन है वो दृश्य प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करके रंगीन दिखाई देते हैं, और इनकी अवस्था की बात की जाए तो ये अलग अलग प्रावस्था के रूप में पाए जाते हैं। हेलोजन के अंतर्गत ये तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Br2 और I2 ये तत्व है, जिसमें से फ्लोरीन है वो पाई जाती है गैसीय प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था मिलती है भाई? ये गैसीय प्रावस्था के रूप में पाई जाती है, गैस के रूप में पाई जाती है। क्लोरीन भी कौन सी प्रावस्था में पाई जाती है? गैसीय प्रावस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन की बात की जाए तो ये द्रव प्रावस्था में पाई जाती है, और आयोडीन की बात की जाए तो ये सामान्यतः ठोस प्रावस्था में पाई जाती है। तो पहले दो तत्व है वो गैसीय प्रावस्था में, तीसरा तत्व है ब्रोमीन वो द्रव प्रावस्था में, और आयोडीन है वो ठोस प्रावस्था में। अगर इनके रंग की बात की जाए, फ्लोरीन के रंग की बात की जाए तो ये हल्का पीले रंग प्रदर्शित करती है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो इसका रंग होता है पीला हरा। कैसा होता है? पीला हरा, पीला हरा होता है।
ब्रोमीन की बात की जाए तो इसका रंग होता है लाल। कैसा रंग होता है? लाल रंग का होता है, गहरा लाल कह दो या लाल रंग होता है। आयोडीन की बात की जाए तो ये होती है बैंगनी रंग की। कैसी वाष्प है या कैसे रंग की होती है? ये बैंगनी रंग की। और ये रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं उसका पूरक रंग ये प्रदर्शित करते हैं। और प्रावस्था देखेंगे तो पहले जो दो तत्व है मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसीय प्रावस्था में, तीसरा तत्व है वो द्रव प्रावस्था में, और चौथा तत्व है वो कौन सी प्रावस्था में? ठोस प्रावस्था में। पहले दो तत्व है वो कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं? गैसीय प्रावस्था के रूप में। तीसरा तत्व कौन सी प्रावस्था के रूप में मिलता है? द्रव में। और चौथा कौन सी प्रावस्था के रूप में मिलता है? ठोस प्रावस्था के रूप में। ये हो गया इनका अवस्था एवं रंग किस प्रकार का होता है। अब गुणधर्म नंबर दूसरा भौतिक गुणधर्म की बात की जाए तो वो है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट। पहला गुणधर्म तो हो गया अवस्था एवं रंग, दूसरा गुणधर्म है गलनांक एवं क्वथनांक। किसी भी तत्व के गलनांक और क्वथनांक है वो अणु भार के समानुपाती होते हैं। गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। और गलनांक और क्वथनांक है ये समानुपाती होते हैं अणु भार के। अणु भार बढ़ेगा गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि। और हम पढ़ रहे हैं वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अणु भार के मान में क्या होती है? वृद्धि। इस कारण गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं वर्ग में, वर्ग में गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। और बढ़ता क्यों है? क्योंकि अणु भार है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर हम गलनांक और क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखे, गलनांक एवं क्वथनांक का बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम लिखेंगे तो गलनांक और क्वथनांक अणु भार के क्या होते हैं भाई? समानुपाती होते हैं। इसलिए सबसे कम गलनांक और क्वथनांक किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। फिर किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। फिर किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का। और सर्वाधिक किसका हो जाएगा? आयोडीन का। ये हो गया गलनांक और क्वथनांक अणु भार के समानुपाती। इस कारण वर्ग में इनका मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये हो गया भौतिक गुणधर्म नंबर दो। तीसरे भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं वो है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व, घनत्व भी है वो अणु भार के होता है समानुपाती। किसी भी तत्व के अगर घनत्व की बात करें, किसकी बात करें? घनत्व की। तो घनत्व भी समानुपाती होता है किसके? अणु भार के। अणु भार के क्या होता है? समानुपाती। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अणु भार बढ़ता है, इस कारण घनत्व का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं वर्ग में, वर्ग में घनत्व का मान, घनत्व का मान, का मान बढ़ता है। घनत्व के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अणु भार के मान में क्या होती है? वृद्धि। और घनत्व का यह क्रम हो जाएगा भाई, घनत्व का, घनत्व मतलब डेंसिटी का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम देखेंगे तो सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और सर्वाधिक घनत्व किसका हो जाएगा? आयोडीन का। ये हो गया घनत्व। पहला हमने देखा अवस्था रंग, दूसरा देखा गलनांक और क्वथनांक, तीसरा देखा घनत्व, चौथा है बंध वियोजन ऊष्मा। चौथा भौतिक गुणधर्म है बंध वियोजन, बंध वियोजन ऊष्मा। द्विपरमाणवीय अणु है हेलोजन, उस हेलोजन के मध्य जो बंद बना हुआ है उस बंद को तोड़ने पर मुक्त हुई उष्मा, बंद वियोजन उष्मा। बंद वियोजन उष्मा की अगर हम बात करें तो बंद वियोजन उष्मा, आकार छोटा होगा तो आकर्षण बल प्रबल होगा, आकार बड़ा होगा तो बंद वियोजन उष्मा का मान क्या होगा? कम। जैसे हम हेलोजन को प्रदर्शित करते हैं एक्स टू के द्वारा, ये एक्स पहला और ये एक्स दूसरा, इनके बीच में ये जो बंद है उस बंद को तोड़ना है हमें, तो हमें इसको क्या देनी पड़ेगी? उष्मा। तो बंद वियोजन उष्मा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के, परंतु फ्लोरीन का आकार होता है छोटा,
इस कारण फ्लोरीन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक, और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण मंद वियोजन ऊष्मा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कम हो जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन से फ्लोरीन का कम हो जाता है। तो बंद वियोजन ऊष्मा देखेंगे सर्वाधिक होगी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। तो बंद वियोजन ऊष्मा है तो हेलोजन के मध्य जो बंद पाया जाता है उस बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और बंद वियोजन ऊष्मा है वो परमाणु आकार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिससे इसकी बंद वियोजन ऊष्मा है वो ब्रोमीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं बंद वियोजन ऊष्मा तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उस ऊष्मा को कहा जाता है बंद वियोजन ऊष्मा, और बंद वियोजन ऊष्मा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के, आकार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार बढ़ेगा तो बंद वियोजन ऊष्मा के मान में क्या होगी, कमी। तो वर्ग में बंद वियोजन ऊष्मा का मान, बंद वियोजन ऊष्मा का मान, ऊष्मा का मान आकार बढ़ने के कारण, आकार बढ़ने के कारण, के कारण कम होता है, आकार बढ़ने के कारण कम होता है, परंतु फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो संयोजी कोष कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। परंतु फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है इस कारण फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, इस कारण फ्लोरीन की बंद वियोजन ऊष्मा ब्रोमीन से कम हो जाती है। ब्रोमीन से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः अगर हम बंद वियोजन ऊष्मा का घटताक्रम लिखे, बंद वियोजन ऊष्मा का घटताक्रम, तो घटताक्रम लिखेंगे तो सर्वाधिक बंद वियोजन ऊष्मा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट उसकी कम हो जाती है इसलिए क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद आयोडीन। सबसे कम होगी आयोडीन की, सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की बंद वियोजन ऊष्मा। ये फ्लोरीन की इन दोनों से कम हो जाती है क्योंकि फ्लोरीन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है भाई, अधिक होता है। इस कारण इसकी बंद वियोजन ऊष्मा क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हो गया चौथा गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म नंबर हम 5 की बात करें, पांचवा भौतिक गुणधर्म वो है भाई ऑक्सीकारक समता। ऑक्सीकारक समता, हेलोजन है वो प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, और उसके दो प्रमुख कारण है, एक तो हेलोजन की विद्युत ऋणता आवर्त के अन्य तत्वों से उच्च होती है, और दूसरा इसका कारण है इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान अधिक होता है। तो हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि नंबर एक, पहला कारण है विद्युत ऋणता का अधिक होना, और दूसरा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव का उच्च होना। इन दो कारणों के कारण इनकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और हम जानते हैं, हमारी जानकारी में तीसरे पार्ट में हमने देखा भी है कि ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रॉन विभव के,
किसके समानुपाती होती है? ई नोड के। ई नोड का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव यह होता है। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो ये ले लिए जैसे तत्व, ये फ्लोरीन है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और परिवर्तित हो जाएगा फ्लोराइड आयन में, ठीक है। दूसरा तत्व है क्लोरीन, ये भी दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, परिवर्तित हो जाएगा क्लोराइड आयन में। ब्रोमीन है, ये भी दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और परिवर्तित हो जाएगी ब्रोमाइड आयन में। और आयोडीन है, वो भी दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और परिवर्तित हो जाएगी आयोडाइड आयन में। ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है ऑक्सीकारक क्षमता के रूप में। अगर इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव की, तो फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है 2.87 वोल्ट मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बात की जाए, 1.36 वोल्ट होता है, 1.36 वोल्ट होता है। अगर ब्रोमीन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात की जाए तो उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है 1.09 वोल्ट। कितना होता है? 1.09 वोल्ट। और लास्ट है आयोडीन। आयोडीन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव की मान की बात की जाए तो उसका होता है 0.54 वोल्ट। और हम ये जानते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऑक्सीकारक क्षमता के क्या होता है? समानुपाती। इस कारण ऑक्सीकारक क्षमता सर्वाधिक किसकी होगी? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन की। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। क्योंकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा तो ऑक्सीकारक क्षमता के मान में भी क्या होगी? कमी होगी। सर्वाधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? क्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? ब्रोमीन की। और सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की। ये पढ़ लिए या ये हो गए हमारे भौतिक गुणधर्म सत्र वर्ग के तत्वों के। एक बार इसको हम वापस देख लेते हैं, उससे पहले ले लो एक बार इसका स्क्रीन शॉट। भौतिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म देखा हमने अवस्था रंग। पहले जो तत्व, दो तत्व है फ्लोरीन और क्लोरीन, वो गैसीय प्रावस्था में, तीसरा तत्व द्रव प्रावस्था में, लास्ट है वो ठोस प्रावस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन का अगर रंग देखा जाए तो हल्का पीला होता है, ब्रोमीन क्लोरीन का रंग देखा जाए तो हल्का पीला हरा होता है, ब्रोमीन लाल रंग की होती है, आयोडीन बैंगनी रंग की होती है। ये तो हो गई इनकी प्रावस्था और रंग, अवस्था और रंग किस प्रकार का होता है हेलोजन का। अगले गुणधर्म की बात की जाए, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक किसी भी तत्व का बात करते हैं तो गलनांक और क्वथनांक समानुपाती होते हैं अणुभार के। अणुभार बढ़ेगा गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी, और हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अणुभार बढ़ता है, इस कारण गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा। सर्वाधिक होगा आयोडीन का, सबसे कम होगा फ्लोरीन का। अगले भौतिक गुणधर्म की बात की जाए, घनत्व। घनत्व भी अणुभार के समानुपाती होता है, इसलिए वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ेगा, आयोडीन का सर्वाधिक होता है, फ्लोरीन का सबसे कम। फिर चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, बहुत बार पूछते हैं क्योंकि यहाँ अपवाद है इसलिए, वो है बंद वियोजन ऊष्मा। तो बंद वियोजन ऊष्मा एक हेलोजन के मध्य जो बंद पाया जाता है द्वि परमाणु अणु के मध्य, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा। और आकार बढ़ने पर ऊष्मा का मान क्या होता है? कम। ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है। ऊपर दो परमाणु है उनके मध्य आकर्षण बल प्रबल है, और नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा तो इनके मध्य की बंध लंबाई बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा? दुर्बल। तो बंध वियोजन उसमें कम होनी चाहिए। परंतु फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, और उस फ्लोरीन के संयोजी कोष में इसके भी कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इन कारण इन दोनों कक्षकों के मध्य होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण के कारण ही फ्लोरीन की बंद वियोजन ऊष्मा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंद वियोजन ऊष्मा का मान आकार बढ़ने के कारण बंद वियोजन ऊष्मा का मान क्या होता है? कम होता है। वर्ग में बंद वियोजन ऊष्मा का मान आकार बढ़ने के कारण कम होता है, परंतु फ्लोरीन की बंद
फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण फ्लोरीन की बंद वियोजन ऊष्मा का मान ब्रोमीन से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये क्रम हो जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम है, बंद वियोजन ऊष्मा का घटता क्रम सर्वाधिक है। क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। लास्ट गुणधर्म है ऑक्सीकारक क्षमता। हेलोजन है वो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं या प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। और क्यों करते हैं, तो उसके दो कारण है, पहला दिन की विद्युत ऋणता का उच्च होना और दूसरा इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का उच्च होना। अब हम जानते हैं ऑक्सीकारक क्षमता मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होती है, समानुपाती होती है। मानक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो ऑक्सीकारक क्षमता भी अधिक होगी। तो ये तत्व इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः इस प्रकार का होता है और सबका मान है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। और अपचायक क्षमता मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सर्वाधिक ऑक्सीकारक क्षमता हो गई फ्लोरीन की और सबसे कम हो गई आयोडीन की। ये हो गए 17 वर्ग के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।